सबसे पहले तो मैं आप लोगों का डीपीएल के साथ में स्वागत करता हूँ। अभी मेरे नॉलेज में एक इशू आया है तो उसको भी मैं रिजॉल्व करूंगा, जो आप लोगों की शिकायत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और उसके हमारे आज यहाँ मिलने का पर्पज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 14 तारीख को एक डबल मर्डर यहाँ पे हुआ था, एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे जम्मू शहर में, जिसमें एक सीनियर सिटीजन, उनकी वाइफ का कत्ल। तो जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थ्रू PCR, तो हमारे चौकी अफसर, हमारा SHO, SDPO साहब, हमारे SP रूरल फौरन से मौका पे पहुंचे, मौका मुलाहिजा किया और इमीजिएटली जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई इस वारदात को वर्कआउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हमारी FSL की टीम जो है उसको मंगवाया गया, स्निपर डार्क को मंगवाया गया, क्राइम फोटोग्राफर को मंगवाया गया। वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद डेड बॉडीज को जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और पोस्टमार्टम। उसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें और भी कॉन्स्टिट्यूट हुई कि जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें टेलीफोन का मुलाहिजा करना, CDR का मुलाहिजा करना, आसपास के जो CCTV लगे हुए घरों में उनका मुलाहिजा करना, लोगों से पूछताछ करना, कुछ लोगों को शक के बिना पे बुला के उनसे पूछताछ करना, इस सारे एपिसोड में परिवार से, मोहल्ले के लोगों से और जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की, सबने हमारा पूरा कवरेज साथ दिया। और इन सब इनपुट्स के बेस पे हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे कि ये वारदात किसने की। तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इसको कैसे हम नोट अप किया जाए, क्योंकि ये आदमी जो है वारदात करने के बाद जो है यहाँ से फरार हो चुका। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये अपना मोबाइल भी फेंक चुका था या 3 दिन पहले ही किसी को भेज दिया। तो वो सारी टीमों ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे और इसमें इस बीच बीच में आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहा, आप लोगों से भी फीडबैक मिलता रहा। ये सब करने के बाद कल हमारी टीम जो है उसको रेस्ट करने के लिए कामयाब। इसका नाम दीपक सिंह है, अलियास सोनी, तालाब के लोग आदि रहेंगे। इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हमें अभी तक ये पता चली है कि ये आदमी जो है इनका जानकार था, इनके घर में काम करता था, छोटे मोटे काम जो कभी बाजार से कुछ मंगवाना, जो संजय चंदेल जी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी उनकी मदद करना, तो 7-8 साल से इनके कांटेक्ट में था, विश्वास पात्र था, आना जाना फ्री था घर में। और इस आदमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चला कि इसके पीछे वजूहत क्या हो सकती है। तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही लगता है कि इस आदमी को पैसे की जरूरत थी, जो कि ये बार बार मांगता था। बार बार मांगने से जो परिवार है वो इरिटेट था, मैं भी कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसी को लेके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके इस वारदात को अंजाम। इसके बैकग्राउंड में जब हम लोग गए उसके परिवार से हमने पूछताछ की है, उस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि ये 3 तारीख से अपने घर से चला गया था और 9 तारीख को आके इसकी वाइफ ने हमारे चौकी पौनी चेक में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई और ये भी बताया कि ये बंदा जो है फोन भी स्विच ऑफ करके हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं।
फिर ये अचानक 12 तारीख रात को आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और 5,000 लेके फिर से घर से फरार हो जाता है। तो हमें अभी तक ये सारी चीज़ों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो रीज़न अभी तक वो यही है कि इसको पैसे की ज़रूरत है जिसको पाने के लिए इस हद तक चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी एसपी रूरल की टीम जो है और एसपी रूरल की जरिए क्या किया है जिसमें एसडीपीओ एसएचओ कंसर्न और आईसीपीपी पोनीचक और इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑफिसर जो हमने ज्यूरिडिक्शन को नज़रअंदाज करते हुए उनको भी बुलाया था, सब ने मिलकर इस काम इस केस को जो है वर्क आउट किया है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मर्डर में वेपन कौन सा यूज किया गया सर, किस रात से मर्डर किया गया? देखिए वो जो वहाँ एक रस्सी अवेलेबल थी उसी से इसने किस टाइम सर दीपक सिंह के ऊपर और भी कोई पहले ऐसे कोई केसेस हैं या किसी केसेस में मुलव्वस है कोई इसकी? जी नहीं, इसकी बैकग्राउंड में इसका कोई भी क्रिमिनल कार्ड नहीं। सर जैसे कह रहे हैं कि आपका आना जाना गलत नहीं था तो वो चोरी भी कर सकता था, उसको पैसे मांग नहीं मिल रहे थे तो उसने मर्डर क्यों किया? देखिए ये जो है ये अभी हमारा भी यही क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।